बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आप देख रहे हैं आज ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए ड्रिंक लेकर आई हूँ। समर की मुनासिबत से मैंने सोचा क्यों ना ज़बरदस्त सा ड्रिंक लेकर आऊँ मैं आपके लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 6 कप दूध के, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के, 1 टेबलस्पून चीनी का, और इसके अलावा व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी हमें। और सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस बोल में कोको पाउडर उसमें हमने दूध को मिक्स कर लेना है। 1 कप दूध का मैंने सेपरेट रखा हुआ था, तो वो थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपको पता है कि कोको पाउडर में जो है वो दूध अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो लम्प्स से बचने के लिए हम एक बोल के ऊपर सीव रख के तो इसको छान लेंगे मिक्सचर को, और फ्रीक्वेंटली इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे जो 1 कप दूध का हमने सेपरेट रखा हुआ था, ताकि किसी किस्म के कोई लम्प्स ना रहे और कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ 5 कप जग में थे दूध के, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून चीनी का डाला। चूंकि मैं व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे स्वीट यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने चीनी कम रखी है। अगर आप सिंपल व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर कोको पाउडर और दूध का जो मिक्सचर है वो इन 5 कप दूध के अंदर मैं ऐड कर लूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने व्हिपिंग क्रीम का 1/2 कप ऐड किया। क्रीम की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ व्हिपिंग क्रीम मैंने पहले से व्हिप करके रखी हुई थी, तो वो मैं ग्लासेस में बेस पे लगा दूंगी। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स को ऐड कर लूंगी। ये सब फ्लेवर को एनहांस करने के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चॉकलेट चिप्स को ऐड करें। अब इसमें हम मज़ेदार सा जो ड्रिंक हमने बनाया है वो ऐड करेंगे। मैंने कुछ और क्रीम व्हिपिंग क्रीम जो है वो दूध के ऊपर ऐड कर दी मज़ीद, और चॉकलेट चिप्स को मज़ीद डाल दिया। लेकिन क्या खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़ेदार ड्रिंक है ये, बच्चे बहुत शौक से पियेंगे। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत क्विकली बनने वाला है इस गर्मी के मौसम में। कोशिश यही होगी कि ऐसी रेसिपीज लाऊं जो जल्दी जल्दी से बन जाए। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ या ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।